वेलकम बैक ग्रेडेड स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विथ अवर एक्सरसाइज 3.3. हियर वी आर गिवन टू पैरेललोग्राम्स, वन इज आर आई एस के एंड अनदर इज सी एल यू ई एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ. व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड ओवर हियर इज वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एक्स. ओके, नाउ लुकिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, we know that adjacent angles of a parallelogram are supplementary and opposite angles are parallel. So here angle R and angle K, they are adjacent angles, right? So adjacent angles of a parallelogram, they are supplementary. Okay, so angle R plus angle K will be equal to 180 degree. So we here 60 degree I have found out, it was not given in the question. So angle R plus angle K will be 180. So we know the value of angle K, which is 120 degree. So angle R will be 180 minus 120, which is 60 degree. Now in a parallelogram, opposite angles are equal, so angle R will be equal to angle S, so angle S is also 60 degree. And taking this parallelogram, angle L we know, which is 70 degree. Here also angle L and angle E are opposite angles, which are equal, so angle E will also be equal to 70 degree. Now if we consider only this triangle, which is EOS, अगर इन ट्राइंगल के तीन एंगल्स अगर हम लेते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज ई ओ एस, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स. ठीक है, तो ई ओ एस अगर लेते हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी उनका अगर हम सम करते हैं, दैट इज एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस, वी विल गेट इट 180 degree. अब ई हमारे पास है 70 degree, ओ विच इज एक्स जो हमें फाइंड करना है, एंड एस वी नो इट इज 60 degree. सो एक्स विल बी इक्वल टू 130 विल बी इक्वल टू 180 degree. इफ़ वी चेंज द साइड ऑफ 130 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स विल बी 180 माइनस 130 विच इज 50 जो हमें फाइंड करना था. Now the next type of question, here we are given one trapezium. Trapezium दिया गया है हमें पी क्यू आर एस. इसमें हमारे पास दो एंगल्स है, एंगल क्यू इक्वल टू 180 degree एंड एंगल आर विच इज इक्वल टू 90 degree. ठीक है, हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल क्यू एंड एंगल आर. अब ट्रेपीजियम में दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, जैसे कि पी एस इज पैरेलल टू आर एस. ठीक है, और हम अगर ये दोनों को पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल्स गिनते हैं, जैसे कि पी क्यू एंड एस आर, इफ वी टेक दिस टू आर दी ट्रांसवर्सल, तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एंगल पी एंड एंगल क्यू एंड एंगल आर एंड एंगल एस, ये क्या होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट्री. ठीक है, सो इन अ ट्रेपीजियम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या होता है, 180. सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू विल बी इक्वल टू 180. क्यू की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 130, तो हम यहाँ पुट ऑन करेंगे. सो एंगल पी प्लस 130 विल बी 180. सो एंगल पी विल बी 180 माइनस 130 विच इज 50 degree. नाउ here also RS is the transversal, so angle S plus angle R will also be equal to 180, क्योंकि वो भी adjacent angles है और वो भी supplementary है. so we know the value of R which is 90, so angle X plus 90 will be 180, so angle S will be 180 minus 90 which is again 90 degree. So we got the value of angle P as 50 and S as 90 degree, जो हमें find करना था. Okay students, here I am completing our chapter number 3, which was about quadrilaterals and different types of polygons.